अधिराज तेरे कभी नहीं होंगे कि तू ये मंगलसूत्र मुझे दे दे और चुपचाप यहाँ से चली जाए। इस पवित्र मंगलसूत्र को तुझे कभी नहीं दूंगी। तुझे जो करना है कर ले। लेकिन वो सर पे का धमकी दे रही है कि वो राजा साहब को खत्म कर देगी। वो अधिराज को कैसे मार सकते हैं? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राजा साहब, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे दासी बना लीजिए। ठीक है, आज से ही हम तुम्हें अपनी निजी दासी नियुक्त करते हैं। तुम्हीं ने कहा था ना, शत्रु जितना पास रहे, युद्ध जीतना उतना ही आसान हो जाता है। अब सुने ना, मेरी आंखों के सामने रहेगी और मौका देखते ही उसकी गले से वो मंगलसूत्र निकालवाने का कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगी। गीत तो अधिराज को सबसे अधिक पसंद है। सुने ना, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे और इतना समय लगा दिया तुमने। आपने ही कहा था ना कि आपकी मनपसंद खीर बनानी है, तो खीर बनाने में समय तो लगेगा ना। आइए बैठिए। सुने ना, मतलब तुम्हारे हाथ की खीर का तो कोई जवाब ही नहीं कि इतनी बेमिसाल है, इतनी इतनी स्वादिष्ट है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। सुने, तो फिर क्या अकेले अकेले ही खाओगे? मुझे भी खिलाइए। तुम्हें भी खिलाएंगे ना, क्यों नहीं खिलाएंगे? पर तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम प्रतिदिन हमें ऐसे ही स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाओगी, वो भी अपने हाथों से। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। आज मैं अधिराज की मनपसंद खीर बना रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये खीर उन्हें जरूर याद दिलाएगी कि उनकी सुनैना ने उनसे वादा किया था कि वो रोज अपने हाथों से खीर बनाकर उन्हें खिलाएगी। पायल की आवाज आपको कुछ ना कुछ याद दिलाएगी अधिराज। ये आवाज तुम्हारी पायल की है? जी राजा साहब, पर अगर आपको इसकी आवाज पसंद नहीं है तो मैं इसे उतार देती हूँ। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस इसकी आवाज सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे तुम भोजन लगाओ। इस खीर का स्वाद मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि खीर हमने पहले भी खाई है? पर तुमने तो ये खीर हमारे लिए पहली बार बनाई है ना, पर इसका स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपकी सुनैना हर रोज आपके लिए खीर बनाती थी अधिराज, याद कीजिए।
तुम इतनी उदास क्यों? क्या हुआ है? तुम्हें तुम्हारे पति की याद आ रही होगी ना? तुमने कभी उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की? वही तो कर रही हूँ। थोड़ा कठिन है, पर मैंने उम्मीद नहीं खोई। और खोना भी मत, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है, जीत वहीं होती है। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम राजा हैं, तुम्हारे पति को समझाएंगे तो वो अवश्य समझेगा। अगर मैं बताऊंगी तो क्या अधिराज विश्वास करेंगे? और ये भी हो सकता है कि इन्हें कुछ याद आ जाए। मेरे पति अधिराज, ये देखिए मैंने क्या बनाया आपके लिए। दासी, इसे परोसो और इस खीर को हटाओ। पर ये खीर तो हमें बहुत पसंद आई है। अच्छा, फिर तो मैं भी इसका स्वाद लूंगी। अधिराज, आप मुझे अपने हाथों से ये खीर खिलाइए ना, पहले की तरह। अब वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अधिराज, दासियों के नाम कहाँ होते हैं? इनका छोटा सा पद ही इनका नाम होता है। आप इसे दासी कहकर बुलाइए। मोहिनी, किसी का पद छोटा है इसका अर्थ ये नहीं कि उसका या उसके नाम का कोई महत्व नहीं होता। क्या नाम है तुम्हारा? सुनैना। सुनैना, बहुत सुंदर नाम है। और सुनैना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम स्वयं जाएंगे तुम्हारे पति को समझाने, और हम आशा करते हैं कि वो लौट आएंगे। और रही बात उस दो शौहरत की जो तुम्हारे पति को वश में करना चाहती है, यदि उसने इस बार कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो हम उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। मूर्ख दासी, देखकर काम नहीं कर सकती? मेरा बनाया हुआ भोजन गिरा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप अचानक से उठ गए इसलिए मेरे हाथों से गिर गया। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत की तो इसमें सुनैना की कोई गलती नहीं है, तुम्हें उठते समय ध्यान रखना चाहिए था। अधिराज, एक दासी के कारण आप अपने होने वाली पत्नी पर क्रोधित हो रहे हैं? नहीं, हम एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है न्याय देना, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो। मोहिनी, वो दासी इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका अनादर करो। तुम अब जा सकती हो। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं सुनैना। रुक! तुझे क्या लगता है सुनैना, अधिराज ने एक बार तेरा पक्ष क्या ले लिया तो वो तेरा हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। होगा वही जो देवी माँ चाहेगी, और देवी कभी दानव का साथ नहीं देती। इसलिए ध्यान से सुन ले सर्पिका, अधिराज तेरे कभी नहीं होंगे, कभी नहीं।
अच्छा, तेरी जैसी साधारण औरत के कहने से क्या होता है सुनैना? तू है ही क्या मेरे सामने? मैं चाहू ना तो तुझे क्षण भर में मार सकती हूँ। तेरी भलाई इसी में है कि तू ये मंगलसूत्र मुझे दे दे और चुपचाप यहाँ से चली जा। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने इस सुहाग की निशानी, इस पवित्र मंगलसूत्र को तुझे कभी नहीं दूंगी। और एक बात, शपथ है मुझे अंबे माँ की कि मैं तुझे हराकर अपने अधिराज को वापस पाऊंगी। मृत्यु तो तेरी बहुत निकट है सुनैना, वो भी मेरे हाथों, पर मैं तेरी आंखों के सामने अधिराज को अपना बनाना चाहती हूँ। और एक बात याद रखना सुनैना, अगर अधिराज मेरा नहीं हो सकता ना, तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। अधिराज तो मेरे हो चुके हैं सर्पिका, वो भी इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए। फिर भी तेरी ये चुनौती मैं स्वीकार करती, तुझे जो करना है कर ले। जल्दी चलिए, वो सर्पिका पागल हो गई। क्या हुआ? उस सर्पिका को लगता है राजा साहब उसके कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो इस बात से क्रोधित होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो राजा साहब को किसी और का नहीं होने देगी और उन्हें मार डालेगी। क्या? वो अधिराज को कैसे मार सकते हैं? वो तो उन्हें नागराज बनाना चाहती है। वो तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो सर्पिका धमकी दे रही है कि वो राजा साहब को खत्म कर देगी। बिल्कुल मानसिक रोगी की तरह बर्ताव कर रही है। आप चलिए, जल्दी चलिए। अधिराज मेरा नहीं तो किसी और का नहीं, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। सर्पिका, द्वार खोलो। नहीं खोलूंगी मैं अधिराज को खत्म कर दूंगी, वो किसी का नहीं हो पाएगा। तेरा तो बिल्कुल भी नहीं सुनैना, मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगी। सर्पिका, मैं जानती हूँ तुम अधिराज को नहीं मार सकती, क्योंकि तुम अधिराज को अपना बनाना चाहती हो। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हें अपना मंगलसूत्र तुम्हें दे दूँ। तूने मुझे समझने में बहुत भूल कर दी सुनैना। मैंने कहा था तुझसे, अगर अधिराज मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने तय किया है कि अधिराज के साथ साथ मैं खुद को भी खत्म कर दूंगी। जीते जी वो मेरा नहीं हो सकता तो क्या, मरने के बाद वो मेरा हो जाएगा। नहीं सर्पिका, ऐसा मत करो। अगर अधिराज को कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सर्पिका।
रहे। अगर तुमने अपनी शक्तियों से अधिराज को बचाने का प्रयास किया तो मैं क्षण भर में उसे जलाकर राख कर दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। आप अपनी काली शक्तियों का प्रयोग मत कीजिए। सर्पिका, तुम अधिराज को मारकर क्या हासिल करना चाहती हो? अधिराज को मत मारो। सर्पिका, मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरे अधिराज को मत मारो। तो ठीक है, तू अपना मंगलसूत्र मुझे दे दे। अगर सच में तू अधिराज को बचाना चाहती है तो उतार अपना मंगलसूत्र और मुझे दे दे। नहीं, नहीं मिलेगा मंगलसूत्र। रानी साहब, आप आदेश दीजिए, हम इस सर्पिका को जान से मार देंगे। कोशिश भी मत करना चंद्रलेखा। मैं अपनी निशा की नियाक से सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। हमारे बेटे अधिराज को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांग लो। अपने बेटे के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। एक तरफ सुहाग है, दूसरी तरफ मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र है। हे अम्बी, अब मैं क्या करूं? कितना सोचेगी सुनैना? ठीक है, तू सोचती रहे। मैं अपने अधिराज के साथ ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं सर्पिका, मैं अपना मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे अधिराज को कुछ मत करना। रानी से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ये लो मंगलसूत्र। यही मंगलसूत्र था ना, तेरी सुहाग की शक्ति और तेरी विवाह की निशानी। अब तू देख सुनैना, इस मंगलसूत्र को मैं कैसे नष्ट करती हूं। अधिराज तेरा पति नहीं है, क्योंकि तूने सुहाग की सबसे बड़ी निशानी उस मंगलसूत्र को अपनी गले से उतार कर मुझे दे दिया है। मेरे मंगलसूत्र से बढ़कर अधिराज है मेरे लिए। अम्बे माँ इनकी हमेशा रक्षा करे। हमारा अधिराज सुरक्षित रहे, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम वैजी को बुला कर लाते। हार गई सुनैना, और देख मैं जीत गई। मेरा प्रेम जीत गया। तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं है सर्पिका, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग होता है। तुम
तुमने तो केवल उन्हें पाने के लिए प्रेम किया। तुम अधिराज को पाने के लिए उनके प्राण ले रही थी और मैं उनके प्राण बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र त्याग दिया। तो बताओ किसका प्रेम सच्चा है और कौन जीता? तू चाहे कुछ भी बोल ले सुनैना, पर सच तो ये, मैंने जो चाहा वो पाया। अब जल्द से जल्द मैं अधिराज के साथ विवाह करूंगी और पूरी जिंदगी उनकी पत्नी बनकर बिताऊंगी। मेरा और अधिराज का रिश्ता केवल एक मंगलसूत्र पर नहीं टिका है सर्पिका, जन्मों जन्म का रिश्ता है हमारा। ये रिश्ता ना तो आसानी से बनता है और ना ही आसानी से टूटता है। बहुत हो गया तेरा भाषण सुनैना, चल चल निकल। सुनो, राजा साहब ने आप सबको दरबार में बुलाया है। आज राजा साहब एक विशेष घोषणा करने वाले हैं। पता नहीं कब तक इस सर्पिका की काली शक्तियों का राज चलेगा। सही में पता नहीं क्या लिखा है हमारी सुनैना बिटिया के भाग्य में। ये अचानक राजा साहब क्या घोषणा करने वाले हैं? मैं तो नहीं जाने वाला। अरे नहीं नहीं, हम भी जाना चाहिए। वो अभी तक हमारे राजा साहब हैं और उस दिन सुनैना ने भी तो कहा था ना। एक दिन आप ही जीतेंगी रानी साहिब। हे अंबे मां, हमारी रानी साहिबा को सफलता देना। धन्यवाद। राजा साहेब ने आप सबको दरबार में बुलाया है। अचानक दरबार में क्यों बुलाया है? वापस लाकर रहूंगी। इतना परिश्रम कर रही हो ना तुम सुनैना हमारी। क्योंकि आप मेरी दुनिया हो अधिराज। अधिराज, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप यहाँ इस दासी के साथ? तुम चाहे कितना भी प्यार कर लो, लेकिन अधिराज पर अधिकार सिर्फ मेरा होगा। अधिराज,